Co-powered by Techno. एक सवाल हम लोगों ने उठाया था, बिहार की जनता का सवाल था। सवाल हमारा नहीं, लेकिन जब भी कोई पीड़ा जनता के भीतर कोई भी देता है, उसके लिए विपक्ष जनता के साथ हमेशा खड़ा रहता है। देखते हैं कि कल स्वयं इस विषय पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे आना पड़ा, अपने सभी उच्च पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। लेकिन जो प्रश्न हमने उठाया था उसका एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, और हमने जो प्रश्न उठाया था उसका अंत एक ही बात पर था कि पहले के मीटर और स्मार्ट मीटर या तेजस्वी जी के शब्दों में स्मार्ट मीटर, क्या दोनों में समानता है? थर्ड पार्टी के समक्ष की बातें रखी जाए और साबित हो जाए कि सभी चीज़ें ठीक हैं, तो उसमें कहाँ किसी प्रकार हो सकता है। लेकिन दो दिन से मैं टीवी पर भी देख रहा हूँ, आम जनता, सरकार की बात अलग, आम जनता एक आदमी भी इसके पक्ष में बोलता हुआ नजर नहीं आया। सभी लोगों ने कहा कि ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जो केवल लूट के सिवा कुछ नहीं। पहले भी मीटर और जिसे आज मीटर कहा जा रहा है, क्यों बदलने की आवश्यकता पड़ी से नहीं बताया। मीटर बिजली नापने का एक यंत्र है, ना मीटर से बिजली उत्पादित होती है, ना ट्रांसमिट होती है, ना सप्लाई या आपूर्ति होती है। सवाल तो लोगों का यही है, आप जो देश के भीतर लोगों को बिल देना पड़ रहा है वो हमसे भी लिया जाए, क्या हमने एक बार भी सवाल पूछा कि आप बिल क्यों ले रहे हैं? लेकिन बंगलाहट देखिए, इस पूरी षड्यंत्र के पीछे जो आदमी था, अंत में उसको सामने आना पड़ा, उसका नाम है नीतीश कुमार। अफसरों से काम नहीं चला, विभागीय मंत्री से काम नहीं चला, नीतीश कुमार जी को स्वयं आना पड़ा और सफाई देनी पड़ेगी। क्या सफाई से संतुष्ट लोग हो पाएंगे? आज फिर केवल जानकारी में प्राप्त करना चाहता हूँ श्री नीतीश कुमार, इन बिंदुओं पर भी आप जानकारी दे सको, बिहार की जनता संतुष्ट हो जाए तो बाकी विपक्ष केवल लड़ने के लिए नहीं बना है। लेकिन पीड़ा में पड़ी हुई जनता की आवाज जब सरकार दबाना चाहती है तो विपक्ष को जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है। हम केवल जनता की आवाज की बात कर रहे हैं। यदि जनता प्रसन्न है, वह मीटर को लगवाना चाहती है। एक पत्र है इनका 11-15 तारीख का, याद रखिएगा, ये पत्र है 15 तारीख का, सीएमडी ने इस पत्र को लिखा है
अपने डीएम को, प्रशासन को लाठी की बल पर मीटर को लगवा दो। लोग इतराज कर रहे हैं, नहीं लगाने दे रहे हैं, बाय फोर्स लगा दो। हमने तो 25 तारीख को आपके सामने बात रखी, अर्थात इस पत्र के 10 दिन के बाद। उस दिन कहाँ हम लोगों ने, कहाँ नहीं तेजस्वी जी ने, कहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने, कहाँ विपक्ष ने इस सवाल को तो नहीं उठाया। सवाल को जब जनता उठा रही है, त्राहिमाम कर रही है, तो हम लोग मौन नहीं रह सकते। और तेजस्वी जी जैसा युवा संवेदनशील नेतृत्व जिस बिहार को मिला है, उसमें आम जन जहाँ भी कष्ट में पड़ेगी, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ हमेशा बगल में खड़ा, अपने सभी साथी विपक्षी साथियों के साथ। याद रखिए, अंतिम चीज मैं खाली पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं कागजातों को दूंगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है, क्या विपक्ष ने बनाया है? अपने डीएम से अनुरोध कर रहे हैं श्री पंकज, अनुरोध है कि समाज में समय समय पर विद्युत कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ अपने स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई करें, करने की कृपा करें, ताकि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सके। कौन था अवरोध? आम जन। क्यों अवरोध हुआ? यह स्मार्ट मीटर, स्मार्ट चीटर के तबाही का कारण बन गया। मैं जानता हूं कि आप पत्रकार हो, लेकिन आप भी बिजली और आपका भी स्मार्ट मीटर होगा, और आपके भी पहले के मीटर होंगे, उसकी तकलीफ है आप भी बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्या हम आपकी आवाज़ नहीं है? क्या आप हमारी आवाज़ जब जनता तक पहुंचाते हैं तो क्या आप कष्ट में पड़े रहेंगे? चाहे प्रोफेशन कोई भी किसी का हो, लेकिन उपभोक्ता सभी लोग हैं। इसका जवाब दो नीतीश कुमार जी, आपको क्यों लिखना पड़ा? यदि जनता अवरोध पैदा नहीं कर रही थी तो आप लाठी डंडे और ताकत के बल पर स्मार्ट मीटर लगाने की चर्चा आपने क्यों किया? आपका पदाधिकारी क्यों किया? आपके सीएमडी कलेक्टर है, आपकी सीएमडी कलेक्टर है 15/9/24 का 19/CMD, आप उसी अपने सीएमडी से ये पत्र क्यों लिखना पड़ा? क्या मुख्यमंत्री से सहमति ली थी? यदि ली थी तो जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, उसका सबसे बड़ा दोषी आप नीतीश कुमार हो। मेरे सवाल उनके सामने और भी बढ़ गए हैं। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उसमें उपभोक्ताओं के समक्ष थर्ड पार्टी के द्वारा मीटर की गति, पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर की गति में कोई फर्क नहीं है, विश्वास में लिया गया? इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कि 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद बिजली 5.85 रुपये से 8 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से क्या बिक्री नहीं की जा रही है? फिक्स चार्ज, विद्युत शुल्क, बिजली बिल पर अंकित के 2-4 किसके लिए जाते हैं? हम तो उपभोग इस बात का कर रहे हैं, हम जितने यूनिट की बात, हम उसका पैसा दें। फिर आप हमसे क्यों विद्युत शुल्क से अलग फिक्स चार्ज और विद्युत शुल्क अलग ले रहे हैं? किस कारण से? बिहार सरकार का अपना उत्पादन शून्य है, इस आम लोगों को बताया गया है? याद रख लीजिए, सभी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल साहब लोग हो,
इनका उत्पादन शून्य है और कह रहे हैं कि हमने बिजली दी, अर्थात बिजली नहीं दिए, आम जनता से पैसा लेकर के बिजली खरीद करके आपूर्ति कर रहे हैं और वो भी धोखाधड़ी के साथ। कल मैंने उनको सुना कि हम कृषि फीडर लगा रहे हैं किसानों को बिजली देने के लिए, आश्चर्यजनक। जरा ठीक से ख्याल कर लेना, किसानों को केवल 8 घंटे बिजली क्यों? खेती 8 घंटे बिजली के भरोसे होगा? कृषि फीडर लगाने के लिए डेडिकेटेड फीडर का निर्माण खेती के उत्पादन में सहयोग के लिए है या उन्हें तबाह करने के लिए बन रहा है? नीतीश कुमार जवाब देना पड़ेगा। बड़े गर्व के साथ मैं कल सुन रहा था कि हम कृषि फीडर किसानों को बिजली देने के अलग से लगा रहे हैं, अर्थात ग्रामीण जो हमारे बिजली की लाइनें थी, तो गांव में अभी 24 घंटे बिजली है तो खेती के लिए भी 24 घंटे बिजली मिलती है। आज 24 घंटे के बदले में 8 घंटे क्यों कर दिया और इसके लिए इतना बड़ा व्यय कौन? क्या किसानों के हित में है या किसानों को बर्बाद करने के लिए है? सबसे बड़ा सवाल, भयंकर सुखाड़ के वक्त इस बार याद रख लीजिएगा, भयंकर सुखाड़ 2.5 महीने रहा, बूंद नहीं आसमान से गिरा। इस वर्ष भूगर्भी जल का ही सहारा था, जिसके लिए 24 घंटे बिजली के बदले कृषि फीडर में कटौती कर अन्य राज्यों को सस्ते दर पर बिजली बेची गई। याद रखना, परिवार भूखा है और आज दुकान पर बेच रहे हैं, अन्य को बिक्री कर रहे हो, जवाब नहीं दोगे कि हम 8 घंटे बिजली दे करके जो बिजली बची उसका हमने क्या किया? सच है कि 23-24 वर्ष में 2200 करोड़ की बिजली 4 रुपये के दर से, याद रखो, 5,250 मिलियन यूनिट अन्य राज्यों को बिक्री क्यों किया गया? ये क्या आपके प्रश्न नहीं है कि हमारे भूगर्भी जल, जिसके सहारे हम, जिसको रिजर्व वाटर कहते हैं, प्रकृति जो पानी आसमान से गिरता है और जो पानी रिचार्ज होता है, वह ऐसे अवसरों के लिए भी आता है जब आसमान की कृपा न हो तो उसी आसमान से गिरा हुआ पानी जो हमारा रिजर्व है, हम उस पानी को निकाल करके अपनी खेती को बचाते हैं। लेकिन नहीं, अन्य राज्यों को बेचा गया है। कल्पना कर लो, सुखाड़ में पूरे हुए इलाके के किसानों को पानी नहीं दिया गया और 4 रुपये की दर से खरीदते हो 5 रुपये, बेचते हो 4 रुपये, करोड़ों का क्षति बिहार को किस कारण से आपने कराया? अरे वो 4 रुपये वाली बिजली हमारे खेतों में पानी के लिए मिला होता तो अरबों रुपये के अनाज पैदा करके यार आपने भी खाता, आपने पड़ोसी को भी खिलाता, गांव वाले भी खाते, नगर वालों को भी खिलाता, उत्पादन कर करके। लेकिन नहीं, बिहार में हम खेती नहीं होने देंगे, कृषि फीडर बर्बादी के लिए लगा रहे हैं क्या यार? क्या भारत सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए 80,000 करोड़ व्यय नहीं किया है? प्रश्न का जवाब दूं, मगर बिहार की सरकार ने पूर्व से स्थापित बिजली उत्पादन केंद्र कांटी और बरौनी को भी बिक्री कर दिया। पूरे देश के भीतर बिजली के माने में दिवालिया बनाने वाले नीतीश कुमार जी, आपके पास बिजली है कहाँ? या मैं कहता हूँ कि दुकानदार है, सरकार नहीं है और दुकान की भी पूंजी आम जनता दे रही है और आम जनता की पूंजी से बिजली खरीद करके आप सस्ते दर पर बेच रहे हो?
सबसे महत्वपूर्ण मैंने जब कहा कि लालू जी की कृपा है कि बिहार में तुम बिजली आई, मैं आपको कागज भी दूंगा और आपको डिस्प्ले भी करूंगा, ख्याल कर लीजिए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपीए की सरकार 2004 में शामिल होते हैं। केंद्र द्वारा उपेक्षित बिहार के लिए 4 अप्रैल 2005 को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू करती है, तब बिहार के गांव में बिजली लगाने का कार्य शुरू होता है, ख्याल कर लेना। ये तो 6/98 से लेकर के 2004 तक सरकार में थे, आपने क्यों नहीं बिजली लगवाई, क्यों नहीं बिहार को बिजली लगाने के लिए आपने पैसा दिया, क्यों? तो लालू प्रसाद जी जब सरकार में जाते हैं 2004 से, तो 2004 में तो 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत होती है, ख्याल कर लेना। 2005 में मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में, मैं उसका भी कागज आपको दूंगा, उसका भी कागज है, दो हजार पांच अप्रैल में मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं, उस कैबिनेट में शामिल नीतीश कुमार ने नहीं, लालू प्रसाद जी जिस कैबिनेट में शामिल हुए उस कैबिनेट का यह फैसला मिनिमम प्रोग्राम रूरल एडुकेशन का जो चालू होता है, यह है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की संवेदनशीलता। विषादी को एक गालीबाज 10 साल का गाली देता रहता है, ये कहते हैं कि हमने रोशनी दी, ये रोशनी बुझाने का काम कर रहे हैं, नहीं, रोशनी लालू प्रसाद जी ने दिया। अपना जो उत्पादन करते ही थे उसने बिजली की कमी जो हुई, कैसे, तो रूरल एलिफिकेशन के लिए धन जहां नहीं था उसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत कराई। को पावर्ड बाय टेक्नो।